मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। झूठे वादों को पनाह देती है सपा बसपा व कांग्रेस पार्टी। जनपद लखीमपुर खीरी जिले की तहसील मोहम्मदी में रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 12 बजे हेलीकॉप्टर रामलीला ग्राउंड में पहुंचा। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भतीजे की पार्टी हो गई है। कहीं कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ तो नहीं घुस गया? यानी इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी न्याय यात्रा? अरे पूरे जीवन भर तो देश के साथ अन्याय किए हो, पूरे देश के साथ अन्याय किए हो, इस देश में गरीबों के हकों में डकैती डाले हो, विकास को बाधित किए हो, गरीबों का 50 इस देश में 70 वर्षों तक गरीब का बैंक में खाता नहीं खोलने दिए और आज कहते हो गरीब को न्याय देंगे। ये देश अगर गरीब है, गरीब के पास मकान नहीं, गरीब के पास शौचालय नहीं, तो ये पाप अगर किसी का था तो कांग्रेस का पाप था। और इस पाप से देश को मुक्त करने के लिए किसी ने पुरुषार्थ किया है वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। ये कार्य उन्होंने किया, 37 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुलवाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कांग्रेस गरीबों के नाम पर नारे तो देती थी लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। और हमने कहा गरीब के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, गरीब को हम लोग उसके जीवन में व्यापक सुधार लाएंगे, साथ साथ आतंकवादियों को बिरयानी नहीं, आतंकवादियों को बुलेट खिलाने का काम करेंगे।